बिहार जा रहे हैं जी छठ में जी। ऑफिस से छुट्टी मिल गया जी। अभी भी कंपनी में पैसा नहीं दिया, छोड़ के जा रहा हूँ। पैसा छोड़ के जा रहा है? आपको सैलरी नहीं दिया है? जी नहीं दिया है। रोजगार तो आप लोग को बिहार में मिलता है? खूब मिलता है। खूब मिलता है हाँ। फिर यहाँ का करने आए? घूमने के लिए आए हैं। खुश है वहाँ के सरकार से? हाँ, सरकार तो खूब है। ट्रेन आप लोग का कब है? ट्रेन का अभी पता करने गया है। पता करने? हाँ पता करने। वही कह रहे हैं ना, निकल जाते हैं लोग भाई। छठ आया, निकल गए भाई। हमको नहीं पता कहाँ से जाएंगे हम, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे। घर पहुँचना है छठ तक, तो घर पहुँचना है। जा रहे हैं छठ में? छठ में जा रहे हैं। एकदम जरूरी है जाना? जरूरी जाना है। नहीं जाइए काम नहीं चलेगा। बच्चे बुच्चे का कपड़ा कुपड़ा सारा कुछ यही है, तो छठ में तो जाना जरूरी है। गाड़ी कौन मिले ना मिले। आप यहाँ आगे व्यवसाय कर रहे हैं क्या? आपको बिहार में वहाँ नहीं मिलता है? थोड़ा तनख्वाह मिलता है, इसलिए वहाँ कोई जॉब वो आपको नहीं मिलता? कोई नहीं मिलता है। तो सरकार से आप ही लोग वोट करते हैं ना? तो और कौन करता है? तो वोट आप मांग नहीं कर सकते हैं? क्या मांगेंगे हम गरीब आदमी? गरीब आदमी आप लोग फिर वोट करने जाइएगा तो ये सोच समझ दीजिएगा ना, वोट दीजिएगा। सोच समझ करके तो देते हैं, बंद तो जाता है, बोलता है अभी कई बार बनूंगा देख लूंगा, देखते ही रहता है। बनने के बाद तो बस 15 साल से नीतीश चाचा है, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है। शंभू यादव बिहार जा रहे हैं। ट्रेन का टिकट है? टिकट तो था, ट्रेन छूट गया है। 5 मिनट पहले खुल गई थी गाड़ी, ट्रेन छूट गया। हाँ। तो फिर अब जाइएगा कैसे? चाहे चार चक्का होगा या कोई ट्रेन में यदि मिलेगा तो जाएगा आदमी। छठ के लिए क्या तैयारी है? नहीं छठ के लिए तो वहाँ बहुत कुछ तैयारी है। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं छठ के लिए? जी हाँ। यहाँ दिल्ली में रहते? हरियाणा में। तो हम छठ में जाना जरूरी है ना? हाँ जरूरी है। नहीं जाइएगा तो काम नहीं चलेगा? अब बताइए, काम तो चलेगा लेकिन जाना तो जरूरी है। टिकट है आपका? नहीं अभी टिकट कटाने के लिए जा रहे हैं। टिकट कटा तो एकदम जाना जरूरी है? जाना जरूरी है, दीपावली है, छठ है। मान लीजिए कंपनी में छुट्टी नहीं मिलता फिर भी जाते हैं? फिर भी जाते हैं, क्यों छठ है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरें भारत में। और बिहारियों के लिए सबसे बड़ा पर्व उनका छठ होता है। वो देश के किसी कोने में रहे, जब छठ माँ का पूजा आता है, दिवाली आता है, छठ आता है, तो वो लोग कैसे भी भाई, कोई पैदल आ जाता है, कोई ट्रेन से, बस में, कहीं भी ठूस ठूस के वो लोग आते हैं, मगर छठी मैया का पूजन करने बिहार जरूर पहुँच जाते हैं। आइए एक बार सामान देख लीजिए, इकट्ठा पूरा सामान, घर का सामान, कपड़ा लत्ता सब खरीद के और ये लोग अपने घर को पहुँच जाते हैं। आइए हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शंभू यादव। शंभू यादव बिहार जा रहे हैं? बिहार के हैं। ट्रेन का टिकट है? टिकट तो था, ट्रेन छूट गया है। कहाँ से आएगी ट्रेन? छूट गया? अरे हम लोग पंडवाला परगुराज में सद्भावना सम्मेलन में आए हुए थे। अच्छा। यहाँ पहुँचे पहुँचे तब तक 5 मिनट पहले खुल गई थी गाड़ी, ट्रेन छूट गया। हाँ। तो फिर अब जाइएगा कैसे? अब देखिए जैसे अब जाना हो ऐसे ही लटक के चले जाइएगा? लटक के कैसे जाएंगे भाई, कौनो ना कौनो व्यवस्था होगा, बस होगा, चाहे चार चक्का होगा या कोई ट्रेन में यदि मिलेगा तो जाएगा आदमी। मतलब एकदम जाना जरूरी है? हाँ। छठ के लिए क्या तैयारी है? नहीं छठ के लिए तो वहाँ बहुत कुछ तैयारी है। हम पर्सनल, हम लोग जो देख रहे हैं जी। ये हम लोग सद्भावना सम्मेलन जो है कि वहाँ पंडवाला काला में घुमन मेला में हुआ है, वहाँ प्रोग्राम में आए हुए थे और वहाँ से रिटर्न अब घर जा रहे हैं। अब सम्मेलन में आए हुए थे। आइए कुछ लोग इधर भी खड़े हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी अशोक। अशोक भाई जी। हाँ बिहार जा रहे हैं जी छठ में जी। तो मतलब ऑफिस से छुट्टी मिल गया? जी ऑफिस में नहीं, कंपनी में। अच्छा कंपनी में जी। छुट्टी मिल गया आपको? जी नहीं मिला। मिल गया? मिल गया। जा रहे हैं मतलब आपको छुट्टी दे देके जा सकते हैं? हाँ। ट्रेन का टिकट विकट है? जी है, पूरा पहले से बना के रखे थे जी। बहुत भीड़ है जी ट्रेन में, इतना सामान लेके जा रहे हैं, सामान घर के बच्चों के लिए, कपड़ा उपड़ा सब होगा जी। क्या क्या लेके जा रहे हैं? क्या क्या बताए इसमें, जो जो है बच्चों के लिए, कपड़ा, बच्चे का कपड़ा है, घर का फैमिली सब के कपड़े हैं, पूरा मतलब फुल तैयारी में जा रहे हैं जी। छठ के बाद फिर तुरंत आ जाएगा वापस? जी आएंगे, महीना भर बिता के आएंगे। पूरा महीना बिता के आएगा जी। और मान लीजिए छुट्टी नहीं मिलता तो फिर जाते हैं आप? जी फिर भी जाते हैं। फिर भी जाते हैं, मतलब नौकरी को लात मार के जाते हैं जी। यही तो छठ का भाई है कि इनको छुट्टी नहीं मिलता तो नौकरी को ये लात मार देते लेकिन फिर भी जाते हैं जी। अभी भी कंपनी में पैसा नहीं दिया, छोड़ के जा रहा हूँ। पैसा छोड़ के जा रहा है? आपको सैलरी नहीं दिया है? जी नहीं दिया है। अब बताइए, सैलरी नहीं मिला है लेकिन फिर भी जाना है इनको पर्व में, है ना जी। छठी माँ बहुत जगता है, जो मांगते हैं आदमी मिल जाता है जी। अच्छा ये और भी लोग खड़े हैं इधर, इनसे बातचीत करते हैं। इधर आ जाइए। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं? हाँ। छठ के लिए? जी हाँ। यहाँ दिल्ली में रहते हैं? न हरियाणा में। हरियाणा रहते हैं, काम धाम करते हैं ना। छुट्टी मिल गया है कंपनी से?
कंपनी में नहीं रहते हैं, यही गृहस्थानी काम दिहाड़ी पिहाड़ी करते हैं। अच्छा, दिहाड़ी वाला काम करते हैं। हाँ, अब तो अपना काम है वो, एकदम छठ में जाना जरूरी है ना। हाँ, जरूरी है, नहीं जाएगा तो काम नहीं चलेगा। अब बताइए, काम तो चलेगा लेकिन जाना तो जरूरी है। बहुत बहुत हम लोग के लिए तो सबसे बड़ा पर्व है छठ, है ना। जी हाँ हाँ। प्रसाद और साथ बच्चों के लिए कपड़ा उपड़ा भी लेके जा रहे होंगे? नहीं, अभी तो नहीं लिए हैं। वही खरीदारी होगा ना? हाँ, पूरा वहीं जाइएगा तो तैयारी करिएगा। हाँ, हर तैयारी वहीं होगा। देखिए, हमारे बिहार के लिए, बिहार, यूपी, झारखंड, और जिस प्रकार से अब पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, दुबई में यदि बिहारी लोग हैं तो दुबई में मनता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह अभी छठ पर्व भी मनाया जाता है। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। अभी तो अभी 2-3 दिन बचा है दिवाली में, उसके बावजूद भी आप ट्रेन के अंदर जाइएगा, रेलवे स्टेशन के अंदर, तो पूरा ठूसम ठूस चल रहा है। यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, आइए इन सब से बात करते हैं और इनसे जानते हैं भाई साहब टिकट है कि नहीं। बहुत लोग बिना टिकट के चले जाते हैं क्योंकि छठ में जाना बहुत ज़रूरी है। क्या हाल चाल है भैया? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? बिहार। बिहार जा रहे हैं छठ में? हाँ, छठ में जा रहे हैं। हाँ, छठ में जा रहे हैं। जॉब वॉब करते हैं? जी, जॉब वॉब करते हैं ना यहाँ? हाँ, यहाँ करते हैं। और छुट्टी मिल गया आपको? छुट्टी नहीं, हम लोग तो दूसरा काम कर रहे थे। छुट्टी मिल गया? हाँ, छुट्टी मिल गया है। अच्छा, मतलब टिकट है आपका? नहीं, अभी टिकट कटाने के लिए जा रहे हैं। टिकट कटा, मतलब एकदम जाना जरूरी है? जाना जरूरी है क्योंकि भाई छठ का पर्व है ना। हाँ, दिवाली वाले दीपावली है, छठ है, सारा सामान उमान लेके जा, बच्चों के लिए कपड़ा उपड़ा सब लेके जा रहे हैं। हाँ, मान लीजिए कंपनी में छुट्टी नहीं मिलता, फिर भी जाते हैं? फिर भी जाते, क्यों, छठ है, हाँ, दीपावली है, तो जाना तो पड़ेगा ना। हमारे लिए छठ सबसे बड़ा पर्व है ना। हाँ जी, एकदम अब मानी भीड़ होगा, आप टिकट लेके जा रहे हैं, रिजर्वेशन तो है नहीं, अंदर जाइएगा बहुत भीड़ रहेगा, फिर भी जाइएगा? हाँ, फिर भी जाएंगे, एकदम ठूसम ठूस होके जाइएगा, लेकिन जाइएगा। जाएंगे तो जरूर, एकदम, है ना। हाँ भाई, बिहारियों की पहचान है भाई, कभी जाए या ना जाए लेकिन छठ होगा तो जरूर पहुँचेंगे। क्या भैया जी, आप भी जा रहे हैं? जी, हम भी जा रहे हैं। टिकट हो गया आपका? नहीं हुआ, अभी कटाने के लिए गए। देखिए, टिकट ये लोग आएंगे, कटाएंगे, उसके बाद जाएंगे, लेकिन छठ में जाना एकदम आवश्यक है। देख लीजिए, वेट कर रहे हैं लोग। ट्रेन आप लोग का कब है? ट्रेन का अभी पता करने गया है। पता करने? हाँ, पता करने। वही कह रहे हैं ना, निकल जाते हैं लोग भाई, छठ आया निकल गए भाई, हमको नहीं पता कहाँ से जाएंगे, हम ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, घर पहुँचना है छठ तक, तो घर पहुँचना है। अब कैसे जाएंगे, क्या होगा, बाद में देखा जाएगा। इधर दादाजी लोग भी बैठे हुए हैं, आइए देखते हैं। तब दादाजी जी, जा रहे हैं छठ में? छठ में जा रहे हैं, एकदम जरूरी है जाना। जरूरी जाना है, नहीं जाइए काम नहीं चलेगा। बच्चे बुच्चे का कपड़ा कुपड़ा सारा कुछ यही है, तो छठ में तो जाना जरूरी है। मतलब छठ पर्व एकदम मनाना है? एकदम मनाना है छठ, सारा सामान। हाँ, सब कुछ खरीद करके जा रहे पूरे परिवार का। क्या क्या तैयारी है? और वहाँ अब जो पर्व में तैयारी होते है वही न करना पड़ता है। क्या करें, अभी तो बैठे हैं, अब देखते हैं कौन सा व्यवस्था है नहीं है, गाड़ी कौन मिले ना मिले। आप यहाँ आगे व्यवसाय कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, क्या आपको बिहार में वहाँ नहीं मिलता है? थोड़ा तनख्वाह मिलता है, इसलिए मजदूरी थोड़ा है हम लोगों को। वहाँ कोई जॉब वो आपको नहीं मिलता? कोई नहीं मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बिहार में कोई व्यवस्था, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं। तो सरकार, आप ही लोग वोट करते हैं ना, तो और कौन करता है, तो वोट आप मांग नहीं कर सकते हैं? क्या मांगेंगे हम, गरीब आदमी। गरीब आदमी आप लोग फिर वोट करने जाइएगा तो ये सोच समझ के दीजिएगा ना वोट दीजिएगा। खुश है लोग आप लोग बिहार सरकार से? सोच समझ करके तो देते हैं, बन तो जाता है, बोलता है अभी कई बार बनूंगा देख लूंगा, देखते ही रहता है, बनने के बाद तो बस हो गया खेल। कितने सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है? हम तो यहाँ 25 साल से आते हैं यहाँ। 25 साल से? हाँ, 25 साल से हर सरकार वादा करती है, पूरा नहीं। हाँ, कुछ पूरा नहीं हुआ। हाँ? कुछ नहीं। 15 साल से नीतीश चाचा है, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है, वो भी छोटे जाति के लिए इधर उधर जो किया किया, दूसरे को कुछ नहीं किया है। मतलब आप लोग छोटी जाति भी तो आते हैं ना रोजगार के लिए यहाँ? हाँ हाँ, सारे जाति आते हैं, सब आता है, सारे लोग बाहर आके कमाते हैं? सब बाहर कमाते हैं, सारे लोग आके कमाते हैं। हाँ, सब कमाता है। क्या दिक्कत है भैया? हम बोल रहे हैं चिनिया लगा दे बिगवा का। चिनिया लगाइए, मैं तो नमक लगा देंगे। चाचा, रोजगार तो आप लोग को बिहार में मिलता है? हाँ। नहीं मिलता है? खूब मिलता है, खूब मिलता है। हाँ। फिर यहाँ क्या करने आए हैं? घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, आप घूमने आए हैं? हाँ। खुश हैं वहाँ के सरकार से? हाँ, सरकार तो खूब बहन चोद है। गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं रोजगार मिलता है। हाँ, मिलता है तो जो जो मिलेगा तो वही न कहेंगे, थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत, इसीलिए आप लोग बाहर आते हैं। हाँ, तो घूमने आते हैं, घूमने उमने आके फिर आप छठ में जाइएगा। हाँ, बताइए रोजगार की। देखिए, इस तरह ये लोग ठूसम ठूस होके
जाएंगे ट्रेन में, और ट्रेन की भी सुविधा नहीं है। यदि छठ है, दिवाली है, तो कम से कम कुछ ट्रेनें चला देनी चाहिए, एक्स्ट्रा ट्रेनें चला देनी चाहिए बिहार के लिए। देखिए इधर भी पूरा भीड़ लगा हुआ है, सारे लोग जा रहे हैं, और अभी आपको हम ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए खबरें भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।